Hello student, this is second lecture of science, chapter 5, class 3rd. Previous video में हमने जाना था कि root system, shoot system और types of root कितने प्रकार की होती थी, tape roots and fibrous root. अब हम functions जानेंगे कि root के क्या काम होते हैं. They hold the plant in the soil firmly. वो क्या करती हैं? Soil में plant को सीधा खड़ा रखने का काम, यानी उसको पकड़ के रखने का काम करती हैं कि वो उसमें पकड़ बनाए रखें. The root hairs absorb water and mineral from the soil. और जो root hairs होते हैं, यानी जो आपकी root होती है, उसमें छोटे-छोटे से क्या निकलाते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है रेसे. तो ये क्या करते हैं? Absorb करते हैं water और minerals को मिट्टी से. Some roots store extra food and are eaten by us. कुछ जो जड़ें होती हैं, वो extra जो खाना है, वो store करके रखती हैं और हमारे द्वारा खाई जाती हैं. They are called storage root. उन्हें क्या बोला जाता है? Storage roots बोला जाता है. Example, carrot, radish, beetroot, turnip, etc. तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएंगी? गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी? Storage roots हो जाएंगी. Bristle cone pine tree in the White Mountains of California, USA is the oldest living thing alive today. तो ब्रिसल कोन पाइन ट्री है जो वाइट माउंटेन कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है, वो सबसे पुराना यानी सबसे ज़्यादा उम्र का लिविंग थिंग है कोई भी जो आज तक जीवित है. इट्स अबाउट 4600 ईयर्स ओल्ड. और ये लगभग कितने उम्र का है, इस कितना पुराना है? 4600 साल इसकी क्या होती है, उम्र होती है, इतना पुराना होता है ये. पेज नंबर 49. हियर इज अ एक्टिविटी. Ask your mom how the uses carrots in different dishes. तो जो गाजर होती है वो different dishes में कैसे use होती है. Name four things. तो four चीज़ें लिखनी है जो किससे तैयार की गई हैं, carrots से तैयार की गई हैं. तो यहाँ लिखिए pickle, हलवा, सब्जी and carrot rice. Four dishes यहाँ पे लिखनी है ऐसी जो जिसमें क्या use होता है, potatoes use होता है. तो दम आलू, पराठा, आलू टिक्की, सैंडविच, इन सभी में use होता है. द स्टेम, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा प्लांट का? स्टेम. पहला क्या था? रूट. सेकेंड स्टेम. स्टेम क्या होता है? जो आपने देखा होगा यहाँ पे, देखेंगे आप, नीचे रूट थी और ऊपर ये क्या है? सीधा जो खड़ा है, जिसपे क्या निकलती हैं? पत्तियाँ और दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो क्या होती है? स्टेम होती है. इट इज़ द पार्ट ऑफ शूट सिस्टम विच ग्रो अबव द ग्राउंड. ये क्या होता है? शूट सिस्टम का हिस्सा होता है जो ज़मीन के ऊपर उगता है. इट वियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. और इस पर क्या लगते हैं? शाखाएँ यानी डालियाँ लगती हैं, पत्तियाँ, फूल और फल इत्यादि लगते हैं. फंक्शंस ऑफ द स्टेम, तने का क्या काम होता है? स्टेम को क्या बोलते हैं? तना. इट सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो इसको किसको आधार देते हैं? ये ब्रांचेस को, पत्तियों को यानी डालियों को, पत्तियों को, फूलों को और फलों को. इट कैरीज़ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव्स. और ये क्या करती है? जो रूट ने क्या लिया था? वाटर और मिनरल लिया था, उसको वो पत्तियों तक पहुंचाती है. इट कैरीज़ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. और ये क्या करते हैं? पत्तियां खाना बनाने का काम करती हैं और उस बने हुए खाने को ये क्या करती हैं? प्लांट के सारे जो भी पार्ट हैं, पूरे प्लांट में पहुँचाने का काम करती हैं. सम अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो एंड ऑनियन स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड आर ईटन बाई अस. कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ये सब क्या हैं? अंडरग्राउंड क्या होते हैं? स्टेम होते हैं. स्टेम अधिकतर ऊपर ही उगते हैं ज़मीन के, लेकिन ये क्या है? स्टेम है, लेकिन ज़मीन के नीचे उगते हैं. तो अंडरग्राउंड स्टेम हैं, जैसे आलू, प्याज, ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं जो हमारे द्वारा खाया जाता है. डेजर्ट कैक्टी स्टोर्स वाटर इन डैम. और जो डेजर्ट होता है, कैक्टस में उगता है, जो कैक्टस है, जो कहाँ उगता है? डेजर्ट में उगता है. ये क्या करता है? अपने अंदर पानी स्टोर करने का काम करता है. द ग्रीन फ्लैसी पार्ट ऑफ ए कैक्टस इज एक्चुअली द स्टेम ऑफ द प्लांट. जो ग्रीन फ्लैसी पार्ट होता है, यानी ये फूला फूला पार्ट होता है कैक्टस का, वास्तव में क्या होता है? स्टेम होता है. ये क्या होता है? स्टेम होता है. द स्पाइंस ऑफ द कैक्टस आर द लीव्स विच प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बींग ईटन ऑफ द बाई एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट. और जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं? पत्तियाँ होती हैं उनकी. जो कांटे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो पत्तियाँ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं किस में? कांटों में. तो किस लिए? जो
क्या करती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं उस प्लांट को कि कोई भी दूसरा एनिमल्स उसको ना खा सके, इसलिए इनमें क्या हो जाते हैं, कांटे निकल आते हैं, जो लीव्स होती हैं वही कांटे में चेंज हो जाती हैं। आगे का जो भी है चैप्टर हम वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।